बाद में क्या है कि अभी जो मैंने आपको बताया था वो रिहर्सल थी, और इसके बाद स्टार्ट होने वाली है माँ गंगा की आरती। अभी कुछ देर बाद होगी, 6:30 बजे का टाइम रहता है बनारस गंगा आरती का। तो फिलहाल हम लोग का मेरा मन था कि पहले हम लोग गंगा आरती देखें, इसलिए मैं गाड़ी बहुत तेज तेज चलाया पहले, फिर हम लोग को 2-3 घंटे का स्पेयर टाइम मिला तो हम लोग सारनाथ गए थे, वो आपने पिछले ब्लॉक में देखा। लेकिन अभी क्या है कि शाम के टाइम पे आए हैं, थोड़ा फ्री हुए, तो हमने कहा कि माँ गंगा की आरती देखते हैं। अभी हम देख रहे हैं 80 घाट पे, कल को यहीं भी रहेंगे तो 10 घाट की आपको दिखाऊंगा आरती। तो गाइस आदि वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग। तो फिलहाल हमें 80 घाट पे, जैसा मैंने आपको बताया, और अभी होने वाली है स्टार्ट माँ गंगा की आरती 6:30 पे। जो माँ गंगा की आरती करते हैं वो लोग आ चुके हैं वहाँ पे, और 6:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से कुछ लोग मतलब अभी वोटिंग भी होती है, यहाँ से आप उस वोट से जा सकते हैं 100 रुपये शेयरिंग पे, और पूरी अगर आपको वोट दें तो 1200 रुपये में, 1000 से 1200 के बीच में आप बागिंग करके पूरी वोट वहाँ से लेकर आ सकते हैं। वो सीधे आपको दशमन घाट लेके जाएंगे और वहाँ की आरती गंगा जी से आकर दिखाएंगे। वो हम लोग शायद कल को ट्राई करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आज आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 जगहों पर आरती होती है, एक होती है इधर गंगा सेवा समिति की, एक होती है उधर जाह्नवी सेवा समिति की। 2 जगहों पर आरती है, वहाँ पर 5 पीपल हैं आरती करने के लिए, और उधर हैं आपके करीब 7 पीपल हैं आरती के लिए। तो ऐसे घाट में जब भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है तो आरतियों की संख्या भी साथ साथ बढ़ती है, क्योंकि हर आदमी को आरती देखनी होती है। तो उस वजह से मतलब बनारस के लोग उस हिसाब से मतलब सामंजस्य बैठाते हैं और आरती का आयोजन अलग अलग स्थलों में किया जाता है। तो फिलहाल हम हैं यहाँ पर जाह्नवी सेवा समिति में, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम प्रणवध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय मनोहरि राजम्याय नमः। जय हो सत्य सनातन धर्म की, जय हो